नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सुस्टॉल। पेश करूंगा मंत्री फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का, और बेस है आपका मून साइन, बेस है आपकी चंद्र राशि, और इसका बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। इस मंथली फोरकास्ट को ना लिया जाए अपनी सन साइन के मुताबिक, सन साइन से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अपने लग्न साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने लग्न राशि के मुताबिक भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सबके लिए मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का आप सबके लिए। बात करेंगे वर्गों, मेरी मुराद है कन्या राशि से। वर्गों के लिए चंद्रमा का गोचर तो ठीक है, लेकिन वीनस का गोचर क्या है वर्गों के लिए? वीनस का गोचर वर्गों के लिए मंथ ऑफ अगस्त के अंदर दशम भाव में, पहली अगस्त से लेकर पहली सितंबर तक वीनस का गोचर दशम भाव में जब होगा वर्गों, तो ये ऐसा हालात आपके ऐसे फल देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें, पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके। लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें, अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें, और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें, बहुत बड़ी डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से आपको अपने आपको फारिग करना होगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्डवर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी वैसे नहीं, बहुत हार्डवर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी वैसे नहीं, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। वर्गों के लिए बुध का गोचर 11वें भाव में, 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर 11वें भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 11वें भाव में आपके मून साइन से 11th हाउस में, मरकरी जब 11वें भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, इनकम के रिसोर्स देगा, एक से ज़्यादा नए नए इनकम के रिसोर्स आपको मिलेंगे, हायर मॉनेटरी गेन आपको मिलेगा, अलग अलग रिसोर्स से मिलेगा, पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके बहुत नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियल गेन में बहुत राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा, प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत प्रॉस्परस होंगे, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आप पहले से ज़्यादा तरक्की करेंगे, घर में खुशहाली होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, और अच्छी खबरें मिलेंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्लेजेंट कंपनी में आप जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे, आपकी विट टू प्लेजेंट नेचर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, जो चाहेंगे आप अचीव करेंगे। वर्गों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक, मंगल गोचर के दौरान जब अष्टम भाव में होगा तो ये हालात होगा। मंगल का गोचर अष्टम भाव में आपके मून साइन से, मंगल जब अष्टम भाव में होगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, फिजिकल डेंजर से आपको बच के रहना होगा, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट से बच के रहें, गुस्सा अपने कंट्रोल में रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, ऐसी बीमारियां जिसका ताल्लुक खून से हो, पेशाब से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, पाइल्स के साथ हो, हेमोराइड से बच के रहना होगा, ब्लड रिलेटेड कोई भी इशू हो बच के रहें, और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये टाइम पीरियड अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, वेपन से बच के रहें, एक्सीडेंट से बच के रहें, ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो, बहुत बड़ा रिस्क बने। मंगल जब अष्टम भाव में आएगा, फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आपको सोच समय के चलना होगा, फाइनेंस का ध्यान रखना होगा, लोन वो लेना हो तो विचार करके लें, ये टाइम पीरियड ऐसा भी है, एफर्ट्स बहुत लगाएंगे सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट ऑनर पोजीशन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबे ट्रिप्स पे आपका आना जाना होगा, फैमिली के अंदर बड़े कंसिडरेबल टाइम के अंदर आपको एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। सूर्य गोचर के दौरान 12वें भाव में होगा, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य गोचर के दौरान जब 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में,
सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से, जब 12वें भाव में आएगा फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत केयर करनी पड़ेगी, फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं हार्ड टाइम्स गुजरना पड़ेगा, सूर्य 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है, जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा, या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कई बार आपका दिल उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रखें, हार्डवर्क करते रहें, डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे, कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा, सेटबैक्स बहुत आएंगे, बहुत केयरफुल रहें डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है, सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं कई बार वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति या ऑकवर्ड होगा या बदला हुआ होगा, कई बार कहते हैं ना बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, बुखार हो को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें, पीस और हार्मोनी बनाए रखें, परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। बुध गोचर के दौरान 12वें भाव में होगा, सूर्य के साथ ही होगा 17 अगस्त से 2 सितंबर तक, तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से, मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा। कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं, आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पे पैसा खर्च आपका हो जाएगा, लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मार्केट जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा, आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर, बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए, और शत्रु से बच के रहें, और कई बार लोग आपको एम्बेरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, सोच समय के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पे परेशान भी हो सकते हैं, टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जो 12वें घर में होगा डिस्ट्रेस बहुत होंगे, कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे, सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, विचार करके चले। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूँ कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हारमोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें, ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।